आज हम लोग इसके कैपिटल गेन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग के ये आईटी एक्ट में जो 5 हेड्स हैं उनको ही हम 5 हेड्स की जो इनकम होती है उनको मिला करके हमारी ग्रॉस टोटल इनकम बनती है। वो 5 हेड्स कौन से हैं हमारे? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम एचपी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड लास्ट वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आप सब लोग जानते हैं कि ये 5 हेड मिला के ग्रॉस टोटल इनकम बनाती है। ये पांचों हेड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो कैपिटल गेन है वो हमारा 5th हेड है ऑफ द आईटी सेक्शन। तो इसलिए उसको हम देख ये जो आईटी सेक्शन कैपिटल गेन का इनकम टैक्स 1961 में ये सेक्शन 45 to 54 इसको हम कवर करते हैं। 45 to 54 ये जो जस्ट अपोजिट फिगर है, देखिए 45 and 54, इसको आपको याद करने में इजी रहेगा कि कौन सी कैपिटल गेन में कौन सी सेक्शंस को कवर होती हैं। अब आते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन कि व्हाट इज कैपिटल गेन? कैपिटल गेन है क्या? एक्चुअली कैपिटल गेन को जो 45 to 54 में हमने एक्सप्लेन किया है और आईटी सेक्शन जो हमें एक्सप्लेन करती है, तो उसका जो चार्जिंग सेक्शन है वो सेक्शन 45 ऑफ इनकम टैक्स 1961 में करते हैं। क्योंकि किसी भी अगर कोई भी हम जो हेड पढ़ रहे हैं उसमें हर हेड में चार्जिंग सेक्शन ही होता है, वही हमें बताता है कि किस तरीके से इनकम टैक्स को चार्ज करेगा उस हेड पर। तो चार्जिंग सेक्शन जो है इसकी वो हमारी सेक्शन 45 इनकम टैक्स 1961 में ये बताया जाता है कि एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट्स इफेक्टेड इन अ प्रीवियस ईयर विल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। ये आपको ये जो आपको स्लाइड पर शो हो रही है डेफिनेशन, ये चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 45 के इनकम टैक्स में के थ्रू दी गई है। और इसमें आप समझ रहे हैं कि कोई भी ऐसी कैपिटल एसेट्स जो जो जिसका ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर करने पर जो प्रॉफिट और गेन मिलता है उसको हम ये कहेंगे कि हाँ कैपिटल प्रॉफिट और गेन जो मिलता है उसको हम अंडर कैपिटल गेन मान करके जो इनकम टैक्स है उस पर चार्ज करती है। अब आते हैं कि यहाँ देखिए मैंने दो अंडरलाइन करी हुई है, द ट्रांसफर और या कैप और कैपिटल एसेट्स। ये दो टर्म बहुत जरूरी हैं जो हमारे कैपिटल गेन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती हैं। इन दोनों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो कैपिटल एसेट्स है वो हमारी इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में एक्सप्लेन की गई है और ट्रांसफर को सेक्शन 2 और सब सेक्शन 45 में 47 में सॉरी 47 में 2 सब सेक्शन 47 में एक्सप्लेन किया गया है। अगर अब हम वन बाय वन कैपिटल एसेट्स एंड ट्रांसफर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि ये कैपिटल जो कैपिटल गेन चैप्टर है वो बहुत बड़ा चैप्टर है और इसको हम कई सारे लेक्चर्स में जो 3-4 तो एटलीस्ट लगेंगे ही उसमें हम कवर कर लेंगे, लेकिन मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए इसको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़िएगा। व्हाट इज कैपिटल एसेट्स क्या है, जिसको हम सीए भी बोलते हैं, व्हाट इज कैपिटल एसेट्स? तो कैपिटल एसेट्स का को अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है आईटी एक्ट में कि यहाँ पर प्रॉपर सेक्शन कहा गया है। इसमें 2 क्लॉजेस दिए गए हैं। एक क्लॉज में कहा गया है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। और इसका मतलब क्या है पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर सेकंड क्लॉज की बात करते हैं। यहाँ पर एसेसी का मतलब एसेसी कोई भी एसेसी जो वो इंडिविजुअल है, कंपनी है, फर्म है, कोई भी हो सकती है एसेसी। एसेसी मीन्स होता है करदाता, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो कोई भी एसेसी जो किसी उसके पास किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो, यानी कि मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो, बिजनेस और प्रोफेशन से, और नहीं हो, उस वो सारी ही प्रॉपर्टीज को हम कैपिटल एसेट्स मानेंगे। तो वो अब क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि हम सभी को ही मान लेंगे कैपिटल एसेट्स, तो हमें कैपिटल एसेट्स के कैपिटल गेन ही मान करके उस पर सब पर ही देना पड़ेगा। लेकिन हम उसको जो एक्सक्लूजन है इसके उसको हम बाद में
डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक एक वन वर्ड है कि प्रॉपर्टी, यहाँ पर हमने ये नहीं कहा एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, मैंने वर्ड यहाँ जो आईटी जो उसमें यूज किया गया डिफाइंड डेफिनेशन में कहा है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मींस कि कोई भी तरीके की प्रॉपर्टी, यानी यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब है राइट, उस व्यक्ति का उस प्रॉपर्टी में राइट हो, और राइट होने के बाद किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी यानी टेंजेबल, मूवेबल, इमूवेबल, हर तरीके की प्रॉपर्टी को, चाहे वो बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड हो नहीं हो, हम एसएससी के कैपिटल एसेट्स मानते हैं। एंड नाउ कम टू द सेकंड क्लॉज। सेकंड क्लॉज हमें क्या बताता है कि एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो व्हिच हैज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस विद द सेबी रेगुलेशन, मतलब कि अगर कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जिसको एफआईआई जो है वो हेल्ड कर रहे हैं, और जो एफआईआई हेल्ड कर रहे हैं साथ ही साथ सेबी रेगुलेशन के अंतर्गत वो आपकी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड की गई हो, तो ऐसी सिक्योरिटीज, ऐसी एफआईआई के द्वारा हेल्ड की गई सिक्योरिटीज को भी हम कैपिटल एसेट्स मानेंगे, वेदर वो हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स हो या हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो, तो हम उन सभी को ही हम कैपिटल एसेट्स मानेंगे। नाउ लेकिन हमारी कैपिटल एसेट्स में कुछ एसेट्स ऐसी हैं जिनको हम कैपिटल एसेट्स नहीं मानते हैं, हमें लगती है, क्योंकि हमने पहले कहा था कि किसी भी तरीके की कैपिटल एसेट्स हमारी कैपिटल गेन के अंदर आ जाएगी, लेकिन कुछ कैपिटल एसेट्स ऐसी हैं जो कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाएंगी, तो वो है हमारी एक्सक्लूडेड कैपिटल एसेट्स फ्रॉम सीजी क्या है, एनी स्टॉक इन ट्रेड, जो भी स्टॉक इन ट्रेड हमारा वो उसको हम उसमें कैपिटल गेन के अंदर उसकी आय को नहीं लेते हैं, बल्कि हम इसको पीजीबीपी की आय में, इनकम में इसको यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका पर्सनल इफेक्ट, प्रॉपर्टी मूवेबल इन नेचर बट एक्सक्लूडेड टैक्सेस, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। टैक्सेस प्रॉपर्टी लाइक पर्सनल इफेक्ट्स का मतलब क्या है कि जो आपकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, पर्सनल इफेक्ट शो कर रही हैं, जो आपने पर्सनल यूज के लिए कर रही हैं, ऐसी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो मूवेबल नेचर में हो उसको हम क्या कहेंगे, ये आपकी सीजी में चार्जेबल नहीं होगी, उस पर सीजी एप्लीकेबल, सीजीटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बट ये जो कुछ है मूवेबल होने के बावजूद भी हमारी इस पर कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा, लाइक पी फॉर, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है पी फॉर पेंटिंग, इसको आप याद करने में इजी रहेगा, पी फॉर पेंटिंग, ए फॉर आर्ट ऑफ गैलरी, डी फॉर ड्रॉइंग, जे फॉर आपका ज्वेलरी, ए फॉर आर्कियोलॉजिकल जो कलेक्शन होते हैं, एंड एस फॉर स्टैचू स्कल्पचर, ये सारे जो चीजें हैं इनको हम इसको हम एक तरह से पर्सनल इफेक्ट वाली प्रॉपर्टी नहीं मांगते हैं, उस पर कैपिटल गेन इफेक्ट करता है, चार्ज होता है। तो यहाँ ज्वेलरी के बारे में थोड़ा सा मैं एक चीज बता दूं कि ज्वेलरी जो है वो आपकी किसी भी तरीके की ज्वेलरी, चाहे आप उसको ओढ़ रहे हो, पहन रहे हो, कपड़ों में लगा रखा हो, फर्नीचर में लगा रखा हो, ऐसे ही बॉक्स में बंद करके रखा हो, किसी भी तरीके की, और डायमंड ज्वेलरी हो, तो वो सारी चीजें आपकी ज्वेलरी में मानी जाएंगी और उसको हम कैपिटल गेन उस पर एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है आपका रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, इसके बारे में आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी भी तरीके की रूरल एग्रीकल्चर लैंड है उसके सेल ऑफ, उसके ट्रांसफर पर किसी भी प्रकार का सीजी नहीं एप्लीकेबल होगा। एंड यहाँ पर देखिए कई तरीके के बॉन्ड दे रखे हैं, गोल्ड बॉन्ड है 77, गोल्ड बॉन्ड 1980, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980, ये सारे जो बॉन्ड्स हैं, और ये आपका स्पेशल बियरर बॉन्ड, यानी आपका आप बॉन्ड को ऐसे भी याद कर सकते हैं ईयर वाइज, एंड देन ऑल बॉन्ड विच इज इशूड सेंट्रल गवर्नमेंट। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम बेटा, आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। आप लोग इसको देख लीजिए मैम, एक बार ये सेकंड पॉइंट पर्सनल इफेक्ट वाला एक बार फिर बता दीजिए। अच्छा बेटा फिर बताती हूँ, पर्सनल इफेक्ट प्रॉपर्टी मूवेबल इन नेचर बट एक्सक्लूडेड पी टैक्सेस, आपने देखा होगा पर्सनल इफेक्ट प्रॉपर्टी, मैंने कहा कि जो पर्सनल आपको लग रहा है कि हम पर्सनल यूज कर रहे हैं,
कार है, फर्नीचर है, आप यूज करते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल इफेक्ट में, फ्रिज है, ये सारा आपका पर्सनल यूज में माना जाएगा, वेदर वो आप अपने घर में यूज कर रहे हैं या बिजनेस में यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इस तरीके की जो चीजें हैं, फर्नीचर है, ये आपका वो है क्या, आपने आपको मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें जो फर्नीचर बर्तन है घर के, ये आप यूज करेंगे, तो यूटेंसिल्स है, ये सब चीजें आपकी क्या मानी जाएंगे, पर्सनल इफेक्ट वाली। लेकिन ये जो पैडजेस मैंने कोट वर्ड लिखा हुआ है, पैडजेस को हम प्रॉपर्टी नहीं, सीजी के अंदर एप्लीकेबल करेंगे, उसे सीजी उस पर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि पैड मीन्स पेंटिंग आपकी है, ए फॉर आर्ट, जो आर्ट ऑफ गैलरी, डी फॉर आपका ड्राइंग, जे फॉर ज्वेलरी, ए फॉर आर्कियोलॉजिकल जो कलेक्शंस होते हैं, किसी को सिक्के का कलेक्शन होता है, किसी को कहते हैं कि जो हमारी पुरानी चीजें हैं, घड़ी हैं, उनको हम कलेक्ट करते हैं, एज फॉर स्कल्पचर एंड स्टैचूज होते हैं, इनकी इनसे अगर कोई प्रॉफिट, अगर कोई प्रॉफिट होता है, कोई गेन होता है, तो उसको हम कैपिटल गेन के अंतर्गत चार्ज करेंगे, यानी सीजी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ज्वेलरी के बारे में मैंने ये बताया कि किसी भी तरीके का नग हो, हीरा हो, किसी भी तरीके की ज्वेलरी हो, सोने चांदी की, वो आपकी चाहे आपके आपने ऑर्नामेंट बना के रख रखा हो, या आपके आपने कहीं ऐसे ही बॉक्स में बन के रखा हो, या आपने सोचा होगा कि फर्नीचर में लगा देंगे तो फर्नीचर हमारा वैसे ही पर्सनल इफेक्ट वाला है तो नहीं जुड़ाएगा, लेकिन नहीं, अगर उसमें भी जड़ा हुआ है तो वो आपका कैपिटल गेन उस पर एप्लीकेबल होगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आपका आता है ये, अब हम थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये पॉइंट्स थोड़े और लिखे हुए हैं, जैसे आपका है टीवी, कार, मोबाइल, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसको हम इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, टीवी, कार, मोबाइल, ये सारी चीजें जो है नॉट अ कैपिटल एसेट्स, सीजी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दीज, लेकिन यहाँ पर ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, ये हमारी कैपिटल एसेट्स मानी जाएंगी एंड सीजी इज एप्लीकेबल। एंड नेक्स्ट है गोल्ड यूटेंसिल्स, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेगा, क्योंकि गोल्ड यूटेंसिल्स इसमें आपका दो तीन पॉइंट्स हैं जो आपको एक्सप्लेन होने चाहिए, कैपिटल यूटेंसिल, सिल्वर बार, सिल्वर कॉइंस, ये सारी चीजें जो है आपकी हैड नॉट टू बी अ पर्सनल इफेक्ट, वो पर्सनल इफेक्ट की नहीं मानी जाएंगी एंड सीजी इज एप्लीकेबल ऑन दीज। बट यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि सी इज नॉट कैपिटल गेन, अगर आपके पास सिल्वर बार है, यानी कि बार मतलब वो जो बिस्किट्स टाइप जो सिल्वर बार है, अगर वो रखा हुआ है तो वो आपका पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जाएगा, सीजी एप्लीकेबल होगी। बट अगर आपके सिल्वर यूटेंसिल्स हैं, यानी कि अगर आपके आप चांदी के बर्तनों में खाना खाते हैं, यूटेंसिल्स हैं, तो वो आपकी पर्सनल इफेक्ट मानी जाएगी और उस पर सीजी एप्लीकेबल नहीं होगा। सो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगर कार, मैंने आपको कार का पहले भी कहा था कि वो आपका कार है, फ्रिज है, टीवी है, या आपकी सीजी एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन इसके साथ एक पॉइंट है कि अगर वो बिजनेस के पर्पज से यूज हो रही है, सिर्फ घर में यूज नहीं हो रही, पर्सनल यूज नहीं हो रही है, बिजनेस के लिए यूज हो रही है, तो उसको एज अ उससे होने वाली इनकम को हम एज अ कैपिटल एसेट्स मान सकते हैं, वो भी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ ज्वेलरी मीन्स मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, ज्वेलरी का मीन्स क्या है कि किसी प्रकार का भी ऑर्नामेंट, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, वो सभी प्रकार के जो प्रीशियस मेटल्स हैं, वो सारे आपके ऑर्नामेंट माने जाएंगे और आपको उसको, और जो यूटेंसिल्स हैं वो भी आपका जो क्या कहते हैं पर्सनल इफेक्ट में माना जाएगा, जो पर्सनल इफेक्ट में नहीं माना जाएगा। एंड नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसफर, इसको मैंने दो एलिमेंट बताए थे कि आपका कैपिटल एसेट्स क्या है एंड नेक्स्ट आपका कैपिटल ट्रांसफर क्या है, व्हाट इज ट्रांसफर। यहाँ पर ट्रांसफर का मतलब एक्सप्लेन किया है आईटी इनकम टैक्स 1961 में अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47, इसमें एक्सप्लेन किया गया है इसको हम क्या क्या चीजें, जैसे आप हमने कहा अंडर सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 47 हमें एक्सप्लेन करती है कि द सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट्स, यानी कि किसी भी प्रकार की सेल आप जानते ही हैं कि सेल कोई भी चीज बेची जाएगी, बेचा जाता है, खरीदा जाता है, यानी बेचने पर जो इनकम होगी वो हम ट्रांसफर मानेंगे, बेचा एंड एक्सचेंज, किसी प्रकार का बार्टर सिस्टम है, चीज के बदले में चीज और उसको लाभ हुआ तो वो आपका एक्सचेंज माना जाएगा, और आपका यानी करेंसी के बदले में भी करेंसी दी जा सकती है, तो दैट इज अगर उसमें कुछ चेंज प्रॉफिट होता है तो वो भी आपका ट्रांसफर माना जाता है। और रिलिंक्विशमेंट, अक्सर बच्चे रिलिंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट में कंफ्यूज करते हैं,
या क्या होता है एक्चुअल में रिलिंक्विशमेंट. रिलिंक्विशमेंट एक डीड, ऐसी डीड जिसको कि जिसमें कि कोई भी व्यक्ति अपना लीगल राइट्स को अपनी इच्छा से छोड़ता है. यानी कि मेरे पास अगर कोई प्रॉपर्टी है और मैंने अपने मन से किसी दूसरे को दे दी और उसने उससे मुझे कुछ लाभ हो रहा है, उससे कुछ हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो उससे ऐसे ट्रांसफर से होने वाले प्रॉफिट को भी हम क्या कहेंगे, एक तरह से वो ट्रांसफर में माना जाएगा. एंड एक्सटिंग्विशमेंट, जस्ट अपोजिट रिलिंक्विशमेंट, कि क्या हम जब लीगली कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें उन अधिकारों को, पोजेशन को छोड़ना पड़ता है, जैसे लैंड है, रेंट है, किसी भी कारण से हमें छोड़ना पड़ता है उन अधिकारों को, और उसकी वजह से अगर कोई गेन या प्रॉफिट होता है तो वो भी हमारा एक तरह से सीजी के अंदर में चार्जेबल होगा, यानी कैपिटल गेन टैक्स उस पर भी लगेगा. तो रिलिंक्विश एंड एक्सटिंग्विश भी हमारे ट्रांसफर के वो ट्रांसफर माने जाएंगे. एंड नेक्स्ट इज है द कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ, यानी कि ऐसा कोई भी लॉ के अंतर्गत कोई भी ऐसा कंपल्सरी एक्विजिशन, यानी गवर्नमेंट अगर कंपल्सरी एक्विजिशन कर लेती, सपोज कोई जमीन पड़ी हुई है और गवर्नमेंट को कोई काम उस पर कराना है और उसके बदले में गवर्नमेंट उस व्यक्ति को कुछ पैसे दे देती है, तो वो हमारा कंपल्सरी एक्विजिशन कहलाएगा. उस व्यक्ति का ये कंपल्सरी एक्विजिशन के बदले में अगर उसे कोई प्रॉफिट होता है तो वो सीजी के अंतर्गत उसे हम टैक्स माना जाएगा, चार्जेबल होगा. तो यानी कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर बाय एनी लॉ. नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ सीए टू सीआईपी. सीए मींस यहां पर है कैपिटल एसेट्स, और आपका SIT का है स्टॉक इन ट्रेड. वैसे तो मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि स्टॉक इन ट्रेड जो है वो हमारा PGBP में, इससे जो आय होती है उसको हम PGBP में करते हैं, लेकिन ये PGBP के इसमें इस आय को हम PGBP में इंक्लूड करते हैं. लेकिन यहाँ पर जब हमारा कोई भी ट्रेड, ओनर ऑफ ट्रेड है, अगर स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंतर्गत कोई भी एसेट्स, कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करती है और उससे उसे अगर लाभ होता है, तो वो ऐसा ट्रांसफर भी हमारा ट्रांसफर अंडर कैपिटल गेन माना जाएगा. एंड द मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड. जीरो कूपन बॉन्ड क्या है हमारा, जो भी जीरो कूपन बॉन्ड नॉर्मली जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इशू करती है, और इसके मैच्योरिटी और रिडेम्पशन से होने वाले लाभ को भी, यानी मैच्योरिटी और रिडेम्पशन भी अगर इसका किया जाता है, वो भी एक ट्रांसफर माना जाता है. एंड नेक्स्ट है कि टू गेट द राइट ऑफ यूजिंग एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बी टेकन और रिटेन इन पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द नेचर रेफर टू अ सेक्शन 53 ऑफ टोपा. आप ये जानते ही, यहाँ पर मैंने अभी आपको पहले भी बताया, ये एडमिट यहाँ हो जाएगा ना. हाँ, अब यहाँ अगर यह, क्योंकि 54 की जो सेक्शंस में बताऊंगी किस किस सेक्शंस में अगर हम कैपिटल गेन हमारे ऊपर लग रहा है, किसी भी एसएससी के ऊपर लग रहा है, तो उसमें कुछ सेक्शंस हैं 54, 53, 54, 54B, D, E, E, A, काफी 7-8 सेक्शंस हैं जिससे के लिए वो इसमें कैपिटल गेन के अंतर्गत छूट ले सकता है. लेकिन यहाँ पर 53A हमें क्या कहती है, टोपा एक्ट की जो 53, टोपा एक्ट मींस द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इसकी जो 53A सेक्शन है वो हमें ये कहती है कि अगर कोई भी जो प्रॉपर्टी है जो 1982 से पहले ली गई है, अगर ऐसा कुछ उससे खरीद फरोख्त इमूवेबल प्रॉपर्टी पर होती है, उसके राइट को किसी को उसको अधिकार, उसके राइट को यूज करने का राइट अगर किसी को दे दिया जाता है आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, जो कि वो प्रॉपर्टी 1882 से पहले की है, तो उससे होने वाले लाभ को भी हम सीजी के अंतर्गत चार्ज करेंगे. नेक्स्ट है लैंड ट्रांजेक्शन एज अ वेदर by way of becoming a member of or acquiring shares in a cooperative society, company or AOP. इसका मतलब क्या है कि कोई सा भी ऐसा transaction transfer माना जाएगा, चाहे अगर वो व्यक्ति के मतलब व्यक्ति को किस पे लाभ होना हो, या तो वो किसी member, किसी company का member हो, उसके होने पर उसे कोई लाभ हुआ हो, उससे shares उसने खरीदे हो, या वो shares जो है acquiring cooperative society के हो, या कंपनी बनी हो नई, या एओपी यानी चाहे वो एओपी यानी कि वो आरटी, वो क्या कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पीपल का. एसोसिएशन ऑफ पीपल भी एक लोगों का समूह बन करके जो काम होता है, जिसको मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में अपने स्टार्टिंग में बताया था कि एओपी और बीओपी क्या होते हैं, तो इनको भी हम
यूज करते हैं, यानी ये भी हमारा ट्रांसफर माना जाएगा। बट इन सब के अलावा भी बहुत, जैसे कि कैपिटल एसेट्स में हमारे एक्सेप्शंस थे, उनको हम कैपिटल एसेट्स नहीं मानते थे, ऐसे ही हमारे ट्रांसफर में भी है कि लगते तो वो ट्रांसफर जैसे हैं लेकिन हम उनको एक्सक्लूड नहीं करेंगे एज अ एक्सक्लूड कह रहे हैं इंक्लूड नहीं करेंगे एज अ ट्रांसफर। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे हैं, क्योंकि 30 के करीब यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं ट्रांसफर के, लेकिन मैंने यहाँ पर मेन लिए हैं और मैंने यहाँ पर आपको लिंक भी दे रखा है, और इसको आप जो है लिंक को कर सकते हैं और इस पे आप सारे ही जान सकते हैं, क्योंकि मेन जो मोटे मोटे जो आपके क्वेश्चंस में अक्सर आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्कस करने के लिए पीपीटी में दिखा दिए हैं। तो फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HUF, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के इमूवेबल प्रॉपर्टी या किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी का अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स के बीच में, तो वो हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे उसको। एंड नेक्स्ट है आपका, क्योंकि वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के एक्ट में जाएगा। नेक्स्ट आपका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय होल्डिंग कंपनी एज वेल एज द सब्सिडियरी कंपनी, यानी कि अगर किसी भी तरीके का कैपिटल एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी से लेती है या सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी से लेती है, तो वो भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ठीक है, कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर नहीं मानेंगे, यानी कैपिटल गेन नहीं मानेंगे। कन्वर्जन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, यानी कि अगर कोई भी कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स को किसी भी प्रेफरेंस शेयर्स को अपने ही कंपनी में लगाती है, यानी कि एज अ इक्विटी शेयर उसको कन्वर्ट कर लेती है, यानी अगर अपने ही ना अपनी कंपनी में करेगी तो वो इक्विटी शेयर हो जाएंगे उसके अपने ही नाम से करेगी, तो इसीलिए हम कहते हैं कि कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस, जब किसी भी प्रेफरेंस शेयर्स का इक्विटी शेयर्स में कन्वर्जन होता है तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बॉन्ड्स ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स टू NRI टू NRI, ये बहुत ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अगर कोई ऐसा ट्रांसफर शेयर्स का किया जाता है शेयर्स के बदले में, बॉन्ड का बॉन्ड के बदले में, या करेंसी के बदले में, ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट को ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट के बारे में, यानी एनी काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ दीज टाइप ऑफ अगर इसका करा जाता है और इसी के बदले में, और लेकिन वो ट्रांसफर ऐसा होना चाहिए जो NRI टू NRI है। अगर NRI टू NRI मीन्स आउटसाइड इंडिया के में किया गया है तो वो हमारा ट्रांसफर में नहीं, यानी अंडर कैपिटल गेन हम उसको नहीं मानेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ एनी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बिफोर 1 मार्च 1970 से पहले का अगर कोई एग्रीमेंट किया जाता है और ऐसा सेल की जाती है अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड की, तो उसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ठीक है, एंड अदर ट्रांसफर एक्विजिशन रिगार्डिंग इसको अगर शेयर्स या डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यानी कि हम मैंने पहले ही बताया था कि जो इससे एक्विजिशन से amalgamation से इससे रिलेटेड अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो वो सारी चीजें हम आपकी इसमें ही मान लेते हैं कि ट्रांसफर वो नहीं आएगा, वो आप डिटेल में इसके जा सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा कि क्या है हमारा ट्रांसफर और क्या है आपका कैपिटल एसेट्स, और अंडर सेक्शन 214, सबसेक्शन 14 एंड अंडर सेक्शन 247, तो उसको चार्जवेल सेक्शन को हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स आर यूज्ड और उनका पोहा और कोहा क्या होता है, यानी कि एक्विजिशन को हम कैसे ट्रीट करते हैं, इसको हम कल करेंगे। थैंक यू।